के खा के जा मैं। अगर वाइफ मीटिंग में नहीं आती तो उसको नहीं पता है बिजनेस है क्या। वो कहती दुनिया के सारे बिजनेस दिन में चलते, स्टेट में पता नहीं कौन सा ढूंढ रखा है तो 2 बजे चलता है। अब वो सोचते कि इसकी साले कितना सेटिंग हो रही दिखे जो रात 2 बजे आ भाई, कितना गड़बड़ कर रहा है। अगर जो अब बिना बताए उसको बिना मीटिंग में लाए जाओगा 2 बजे, तो बीवी जब दरवाजा खोलेगी तो वो मिलेगी गर्म, बिल्कुल पूरा आग की ढाल बढ़ती ओर कड़वा झोटे की ढाल, और रोटी मिलेगी नरम ठंडी। मिलेगी नहीं मिलेगी? रोटी नरम और बीवी गरम। और जो बिजनेस जो मीटिंग में ला रखी होगी और उसकी समझ में आ गया, रात में चाहे 3 बजे जाओ, बीवी मिलेगी नरम और रोटी मिलेगी गरम। ये सब लोग अगर ये आ जाए बीरबानी की समझ में, और मर्द नहीं आया मीटिंग में, ये बीरबानी 10 बजे की तो औरत के तो 12 बजे घोड़िया होंगे, मर्द का 6:30 बजे घोड़िया होने शुरू करते थे। बेरानिया किसने सेट कर रही है इनके, इनका पच्छा तकाचे तो फट देने, इनका तो कतिया बर्दाश्त नहीं। वे तो बिचारी सब कुछ होता और भी बर्दाश्त कर लेंगे, रात में 2 बजे भी अपने पुत्र ने रोटी दे देंगे। मर्द पाओगा गरम अगर मीटिंग में निला रखे होगा तो, और सब कुछ तो सिला पाओ पाओ, फिर मन मानना घर भी उजड़ जाए ससुरा। ये सुन लो, अगर जो बीवी लुगाई की समझ में आ जाए वो लोग ने लिया हुए, और दोनों की समझ में आ जा तो फिर दोनों एक दूसरे का सेट हो जाए, फिर किसी दूसरे साड़े की सेटिंग होने की गुंजाइश ना रहे। यस और नो? गलत कह रहा हूं क्या मैं? तो इसलिए अगर लेडीज की समझ में आ रहा थे अपने पति के पांव पकड़ के लिया एक बार मीटिंग में जरूर लिया, जेंट्स की समझ में आ रहा तो अपनी घरवाली को, अपनी बहन को, अपनी माँ को पकड़ के एक बार मीटिंग में जरूर लिया, क्योंकि जिस दिन ये फैमिली की समझ में आ जाएगा उस दिन कामयाबी आ जाएगी, और जब तक फैमिली की समझ में नहीं आएगा जब तक कामयाबी नहीं आएगी। दोस्त कामयाबी के लिए फैमिली का साथ होना बहुत जरूरी है। आज तो घर में तो यू कड़े से भाई साहब के घर के घर में यू कड़े से है ना, मैडम नहीं आती ना आपकी? हाँ वो कौन सा? अच्छा आज आ रही है, वो बताओ था ना मैम में पिकअप सेंटर तो खोल रखा थी पर मैडम साथ नहीं देती, वो कौन सा है? वो कोई और होगा, वो उन्हें मिला था मैंने भीलवाड़ा मिला था मैं, मगर वाइफ का लिया ही है, तुम का 3 सेटिंग मिटवा दूंगा अगर आ गई तो। मगर गलती है जिसकी भी थी, मना नहीं, मेरा नाम लेने की जरूरत नहीं है, पर जिसकी भी सेटिंग बिगड़ रही हो, लेडीज की बिगड़ रही हो तो वो ले आइयो, और जेंट्स की बिगड़ रही हो तो लेडीज ने ले आइयो, याद है इसी ट्यूनिंग हो जाएगी। वो फिर वो कहना नहीं, एक डाल पे तोता बोले एक डाल पे मैना, दूर दूर बैठे हैं लेकिन प्यार तो फिर भी बोलो है ना। अगर यहाँ पे आ गए तो प्यार हो जाएगा पक्का, नहीं तो तलाक उड़ाओगे तो साला वो गुस्से दिन हो जाएगा, लंबा नहीं खींचेगा। बिजनेस करना होगा तो भी उसे दिन फाइनल, ना करना होगा तो भी उसे दिन फाइनल, एक ही दिन में गणेश खत्म हो जाएगा, और ना तो सारी जिंदगी खींचा तानी चलती रहेगी। और ग्रह युद्ध सबसे खतरनाक होता भाई साहब, ग्रह युद्ध सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। पाकिस्तान वाला तो लड़ा तो हमने बेरा भी, वही मारे पाकिस्तानी में साले, हमने मारने भी हमने मारेंगे, और घर में ही हम यारे बैठे मुंह नहीं बेरा लाके कौन सा दुश्मन है कौन सा दोस्त है। तो ग्रह युद्ध सबसे खतरनाक है। अगर इस बिजनेस में कामयाब होना है तो ग्रह कलेश को सबसे पहले खत्म करो, चाहे पूरी फैमिली ने ला के दिखाओ, बड़ा प्रोग्राम दिखाओ, कैसे भी दिखाओ। अगर मेरी पत्नी ने मुझे 10वें से निकाल के अगर सेमिनार करने के लिए कहा तो उसका सबसे बड़ा कारण था बड़े बड़े सेमिनार और बड़ी बड़ी मीटिंग देखी उड़ती उसकी ना। तो भाई साहब औरत ये कहते आग लगे तेरे धंधे में, साले में आग नहीं दे रखी मैंने, जब तू अपने बाल का निकाली तो और किसका होगा? यस और नो? आग दे दे भाई साहब सब क्या है मैं? औरत अगर अपनी पा जाना तो औरत ही देवी है और औरत ही चंडी है, चंडी का रूप भी वही है और देवी का रूप भी वही है। यस और नो? तो भाई साहब सबसे पहले अपनी फैमिली को सेट करो, बिजनेस अपने आप हो जाएगा। ये पहला मैसेज है। एक ही शेर के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा, आप लोगों से मिलकर